आज के फोकस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ राजगोपाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आप टेक्सटाइल सेक्टर से पिछले 40 सालों से ज्यादा का वक्त, लगभग सारी जिंदगी आपने बिता दी, और इसलिए हम बहुत ही खुश हैं आज इकॉनमी टुडे में पा करके। ये जो जर्नी आपने देखी है सर 40-45 सालों की, पिछले 10 साल में अगर हम देखें क्या बदलाव हुए हैं इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर में, उसी से शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। देखिए, सही बात है कि मैं भी इस क्षेत्र को कुछ दिनों से देख रहा हूं, आपने कहा 40 साल, और इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये आपने सही बताया आपके प्रोमो में भी कि भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, और इसमें जो अब हम लोग देख रहे हैं 10 साल में जो गति आई है वो गति एक तरह से पहले नहीं देखी गई। देखिए, जो आपने स्कीम्स बताई उन स्कीम से जो है हम आशा करते हैं कि आगे जाके, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के संदर्भ में, और साथ साथ जो अपना रोटी कपड़ा मकान का जो स्लोगन है, कपड़ा एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है दुनिया में, तो इन सबको देखते हुए हम देख रहे हैं कि जो स्कीम्स आ रही है और जो गति आई है स्कीमों में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्कीमें तो पहले भी रही है लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन और जो गति हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही सराहनीय तरह का एक हमें सामने नजर आ रहा है, और सरकार इस बात से प्रतिबद्ध है कि वो इस सेक्टर को एक तरह से उजागर सेक्टर के रूप में देखें, सनराइज सेक्टर के रूप में देखें, क्योंकि ये एक तरह से सनसेट सेक्टर माना जा रहा था क्योंकि ये बहुत ही पुराना सेक्टर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्कीमें आई हैं, जैसे आपने बताया PLI स्कीम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट की ओर बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं, आपने साथ साथ समर्थ की बात कही, समर्थ में भी जो है हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, और काफी हद तक इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं ये। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल सरकार लेकिन इंडस्ट्री ड्रिवन, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं देख रहा हूँ अपने पिछले में, और इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है कंपेयर टू अर्ली ईयर्स। डॉक्टर सिद्धार्थ, अगर हम समझने की कोशिश करें विकसित भारत में टेक्सटाइल सेक्टर की क्या भूमिका होगी, क्या हम अपने टेक्सटाइल को नेक्स्ट जनरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम इसे और ज्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम और ज्यादा ग्लोबलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात सही है, बिकॉज ये क्या है कि दो तीन बातें सामने आती है। एक तो बात यह है कि हम लोग एक अपार्ट फ्रॉम हमारा जो टेक्सटाइल का जो साइज है करंट $165 बिलियन का मार्केट है जी, उसमें से अगर आप देखें तो $40 बिलियन एक्सपोर्ट है, अब बाकी जो $105 बिलियन है वो एक तरह से डोमेस्टिक है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी जो टेक्सटाइल में होती है वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, और एक्सपोर्ट इज अबाउट 25-30%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी प्लैंक है, क्योंकि अल्टीमेटली अपना जो मार्केट है देश का वो एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जी। तो हम ये देख रहे हैं कि इस मार्केट को देखते हुए, मार्केट हमारे पास है तो हम लोग क्या करेंगे, तो अपनी जो करंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दुनिया में हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग के नए नए आयाम आ रहे हैं, और तो उस तरह से देखा जाए तो इंडस्ट्री को एक तरह से इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में जोड़ने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो हम देख रहे हैं कि नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की जो बात आपने भी करी, उसमें जो है एक तरह से R&D लैब लगा रहे हैं आप, एक तरह से स्टार्टअप जो है उनको एक बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। उसमें क्या होता है कि आप कोशिशें करते हैं कि लोग अपने आइडियाज लाएं और उसको इंक्यूबेटर के रूप में, इंक्यूबेशन जिसे कहते हैं, उसको करके हम आगे ले जाएं। साथ साथ हम एक क्वालिटी कंट्रोल का ऑर्डर भी ला रहे हैं, विच इज इन अ वे गुड, क्योंकि आप कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत जो है क्वालिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री माना जाए। अभी क्या हो रहा है, कई तरह की गुड्स आ रहे हैं मार्केट में, तो एक क्वालिटी कंट्रोल से एक तरह से क्वालिटी के भी मापदंड जो है वो एक तरह से अपने कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट सामने आए। तो यह सब जो बातें आ रही है सामने, इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक अच्छा इकोसिस्टम जिसे कहते हैं जी जी, वो बनाने की एक कोशिश आ रही है। डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं आशा करता हूँ कि अगले 4-5 या 10 साल के अंदर ये सिस्टम और इंग्रेड
हाँ सिद्धार्थ, अगर हम समझना चाहें अभी पर कैपिटा कंजम्पशन टेक्सटाइल को लेकर के उसके ट्रेंड क्या है, भारत में क्या सभी लोगों तक जो टेक्सटाइल है वो पहुंच पाया है? पहले डोमेस्टिक की हम बात करें और उसके बाद फिर हम डिटेल्स पे आते हैं कि कैसे ये जो नए नए पार्क्स बन रहे हैं और जो नई स्किलिंग की संभावना है वो लेकर के आएंगे। थोड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे आपके पास कुछ आंकड़े हैं डॉक्टर सर? नहीं, इमीडिएटली तो शायद नहीं होंगे मेरे पास, बट सवाल इस बात का है कि फ्रॉम द ब्रॉड साइज ऑफ द मार्केट आप ये देखते हैं कि 75% ऑफ द कंजम्पशन इज टेकिंग प्लेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। बिल्कुल, अगर उसको लेके जब पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग वेरी स्लोली, वो सही बात है बिकॉज आफ्टर ऑल पॉपुलेशन भी ज्यादा है और प्रोडक्शन का भी एक रेलेवेंस है। जी जी, बट द ओवरऑल पिक्चर दैट इज कमिंग इन फ्रंट इज दैट द डोमेस्टिक कॉम्पोनेंट ऑफ द इंडस्ट्री will become a very important part. और per capita consumption बढ़ाने के लिए after all उसमें बाकी economic indices भी जुड़ जाती हैं, rate of inflation है और बाकी अन्य सामग्री। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जी, मैं आपके पास आता हूँ। और जो 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 हम पहल कर रहे हैं PLI में और जो जो हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, स्किलिंग को लेकर के हम क्या कुछ करें उस पर बात करेंगे, लेकिन ये महिलाओं पर किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है पूरा का पूरा सेक्टर, उस पर हम एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को। और ले चलते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। हथकरघा उद्योग, भारत की समृद्ध परंपरा को जीवंत संस्कृति के तौर पर देखा जाता है, इसी हथकरघा उद्योग बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने 2019 में हैंडमेड इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की और परिणाम आज जमीन पर दिखने लगे हैं। वर्तमान सरकार भी हाथ से बने उत्पादों की मार्केटिंग पर लगातार जोर दे रही है। पिछले 9 सालों में 600 से ज्यादा हैंडलूम क्लस्टर्स देश में लगाए गए हैं और देश की विविधता और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हथकरघा उद्योग पर हमारी देखिए यह खास रिपोर्ट। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक, तो दूसरी तरफ समुद्री तट से जिंदगी गुजारने वाले लोग, वहां से लेकर के मरुस्थल तक और भारत के मैदानों तक परिधानों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष हमारे पास है। भारतीय हथकरघा उद्योग अपनी समृद्ध परंपरा और जीवन संस्कृति के लिए जाना जाता है। पूर्वोत्तर में असम जो अपने सिल्क के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण में सेलम का कपड़ा उद्योग जो अपनी जटिल कारीगरी के लिए जाना जाता है, पश्चिम में सुरेंद्रनगर जो कपड़े में अपनी अद्भुत कला के लिए मशहूर है और पूर्व में उड़ीसा जो हाथ से बुनी गई संबलपुरी साड़ी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक छाप के साथ क्लासिकल महेश्वरी साड़ी के लिए लोकप्रिय भारत के दिल मध्य प्रदेश को कैसे भूला जा सकता है। भारत का हथकरघा उद्योग भारत की विविधता और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत नमूना है। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही एक परंपरा है जिसके कारण भारतीय हथकरघा उद्योग को कपड़ा क्षेत्र का एक अनूठा हिस्सा माना जाता है। लेकिन असंगठित श्रमिक, आधारभूत अवसंरचना की कमी और पुरानी तकनीकों के कारण भारतीय हथकरघा उद्योग कई समस्याओं का सामना कर रहा था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने 2019 में HSBC के सहयोग से हैंडमेड इन इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया। दिस प्रोग्राम एम्स एट बिल्डिंग द कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथनिंग द हैंडलूम वीविंग सेक्टर। These weavers and artisans, they have been able to play an important role in carrying forward the legacy and also inducting the next generation into this profession. The credit goes to HSBC for their wholehearted support, not only in terms of financial funding support, but also in terms of their engagement. And it's only for this kind of valuable help that the project has been able to achieve its objectives. इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुजरात के सुरेंद्रनगर और भुज, तमिलनाडु के सेलम, उड़ीसा के बरगढ़, असम के कामरूप और मध्य प्रदेश के महेश्वर के बुनकरों के बीच उद्यमशीलता क्षमता का विकास करना और चयनित शिल्प कलाओं को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम को बुनकरों के बीच नेटवर्क बनाने, व्यापार करने के आधुनिक तरीके सिखाने, बाजार विस्तार को समझाने, नवाचार और क्रेडिट प्रबंधन में क्षमताओं को विकसित करने के लिए तैयार किया गया था, जिसके कारण हथकरघा उद्योग से जुड़े ये लोग आत्मनिर्भर बन सके। At HSBC, we are delighted to partner with EDII in the Handmade in India project. As part of the project, we've been able to develop an ecosystem for over 5,700 weavers in six clusters, handloom clusters across the country.
by building their capacity and providing them the required skills. I wanted to congratulate the team and hope this work will continue and strengthen the weavers across these clusters. संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम आज जमीनी स्तर पर नजर भी आने लगे हैं। किए गए प्रयासों के कारण ही आज बुनकरों की आय में इजाफा हो रहा है और चयनित क्षेत्रों का ब्रांड भी मशहूर हो रहा है। इस चार साल की यात्रा में संस्थान ने कई यादगार पड़ाव तय किए हैं। भुज में लुप्त होती शिल्पकला को पुनर्जीवित करने और बुनकरों की आय को 30 गुना बढ़ाने से लेकर महेश्वर में 251 कार्यशालाओं का संचालन करने और कामरूप के चुनौतीपूर्ण शहर में परियोजनाओं का सफलता पूर्वक संचालन करने तक हैंडमेड इन इंडिया एक कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ, लेकिन ये कार्यक्रम हथकरघा उद्योग में आजीविका पैदा करने, देश की हस्तकला को जीवित रखने के साथ ही जीवन को बेहतर बनाने की यात्रा में बदल गया। ये अविश्वसनीय कार्यक्रम HSBC के सहयोग के बिना संभव नहीं था, जिसने सामुदायिक आकांक्षाओं को सफलता की कहानी में बदल दिया। स्वदेशी आंदोलन से शुरू हुआ हथकरघा उद्योग भारतीय विविधता को समेटे हुए है, ये आर्थिक प्रगति का कारण रहा है तो कला परंपरा और शिल्प का अद्भुत संगम भी है। बता दें कि वर्तमान सरकार हाथ से बने उत्पादों की मार्केटिंग पर लगातार जोर दे रही है। मौजूदा सरकार ने हथकरघा को जैम पोर्टल से जोड़ने, मुद्रा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने से लेकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे अभियान शुरू किए हैं। वहीं एकता मॉल जैसे नए बाजार भी हथकरघा को मजबूती दे रहे हैं। इसके अलावा पिछले 9 सालों में 600 से अधिक हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए गए हैं। अजय मिश्र के साथ रोहित अग्रवाल, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपने ये खूबसूरत रिपोर्ट देखी जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट के जरिए कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टेक्सप्रोसिल के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। डॉक्टर सिद्धार्थ, एक बार फिर से आपका स्वागत है इकॉनमी टुडे में। आप अभी ये समझना चाहते हैं कि बड़े बड़े हम टेक्सटाइल पार्क बनाने जा रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ेगा रोजगार के लिहाज से, कैसे ये सनराइज सेक्टर, आपने सनराइज शब्द का इस्तेमाल किया, कैसे हम लोग बदलने, तस्वीर कैसे बदलने जा रही है इस पूरे सेक्टर की? नहीं, वो मेगा टेक्सटाइल पार्क का जो आइडिया पीएम मित्रा पार्क जो आया है सामने में, वो 7 स्टेट्स में आ रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड अप्रोच। एक बात बात पूरी समझनी चाहिए टेक्सटाइल में कि लंबा वैल्यू चेन है ये, कि कहां फाइबर से शुरू होता है और फिर फैशन तक एंड होता है। और प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का जो 5 F's का जो एक डेफिनेशन उन्होंने दिया, बखूबी कैप्चर करता है इस वैल्यू चेन को, यू नो, फाइबर फार्म, फाइबर फैक्ट्री, फैक्ट्री और फैशन, फिर उसके बाद फैक्ट्री फैशन एंड फॉरेन, तो 5 उनका जो मंत्र है वो बहुत ही कैप्चर करता है इसको। तो वो वैल्यू चेन को इंटीग्रेटेड रूप से अगर हम देखें वो बहुत जरूरी है, बिकॉज जब कहां फाइबर प्रोड्यूस होता है और कहां उसका स्पिन होता है, कहां वीव होता है, कहां उसका बाजार है, तो वो एक तरह से सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस पीएम मित्रा पाक पे एक जगह लाने की कोशिश है। प्लस प्लग एंड प्ले वाला भी है कि आप आइए और आप अपना फैक्ट्री लगाइए ताकि अपना काम जल्दी से जल्दी, गेस्टेशन पीरियड जिसे कहते हैं, उसे कम से कम हो। डॉक्टर सिद्धार्थ, हम ग्लोबल स्टैंडर्ड तक कब तक जाएंगे, कब हमारा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है जो है कि बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में देखा जाएगा, और अगर पूरे पूरी दुनिया में हम एथिकल टेक्सटाइल को प्रमोट कर पाए शायद तो एक हमारी एक खास USP हो सकता है। नहीं, सही बात है आपकी, क्योंकि ऐसा इंडिया की क्वालिटी जो है टेक्सटाइल की ओवर द इयर्स काफी इंप्रूव हुई है। आज भारत जो है कई अच्छे अच्छे ब्रांड्स को अपने कपड़े और जो वस्त्र जो बेच रहा है, तो ऐसी बात नहीं कि क्वालिटी अपनी खराब है, लेकिन सवाल इस बात का है कि उसको स्टैंडर्डाइज करना है, और एक स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि वो एक बेंचमार्क तरीके से स्टैंडर्डाइज हो, ताकि जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम लोग सामने उस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स न केवल अपन बाहर भेजें पर अपने देशवासियों के लिए भी रखें सामने, उनको भी एक मौका मिले कि वो फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट जो है वो भी खरीदें अपने आप। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर सिद्धार्थ। चलते चलते ये साल भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आप लोगों का क्या अनुमान है और एक्सपोर्ट्स को लेकर के आप लोग क्या टारगेट कर रहे हैं साल 2023-24 में? देखिए 23-24, देखिए आपने देखा होगा, आपने सही बताया कि वो 20-21-22-23 में जो थोड़े फोर्सेस थे वो आए, एक उतार चढ़ाव सा देखा आपने एक्सपोर्ट में। अब हम 23-24 में जब बैठे हैं और अब सितंबर टू जो मार्च का आ रहा है पीरियड, वो एक जनरली जो है पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट है, उसमें जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो हमारा ये अनुमान है कि over compared to last year, this year's exports will be much higher, by at least by 10%.
तो काफी जो रिपोर्ट्स आ रही है कई एक्सपोर्टर्स से, और अपन ने जो एफटीए वगैरह किए ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ, और एक यूके के साथ बात चल रही है, तो अगर आशा है कि अगर ये थोड़े हो जाते, ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दूं कि काफी हद तक लोग जो है उसका फायदा ले रहे हैं और इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे अभी। तो हमने जो किया है उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा जब इंडिया का टेक्सटाइल और होम टेक्सटाइल स्पेशली मेडअप्स और गारमेंट दोनों का एक्सपोर्ट जो है लास्ट ईयर पे काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो वो एक एक्सेस जिसे हमें कहते हैं मार्केट एक्सेस, तो हमें मिला है और उस मार्केट एक्सेस को हम लोग काफी हद तक हमारे एक्सपोर्टर जो है उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और उससे उनको वो भी मिल रहा है, फायदा भी मिल रहा है। डॉक्टर सिद्धार्थ बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने। जी वक्त मेरे पास इतना है। लास्ट ईयर एक्सपोर्ट भी बेटर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ, और इतने लंबे वक्त से आप लोग जुड़े हुए हैं इस सेक्टर के लिए, बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के